के वक्त की कदर कर ली जाए। यहाँ हम एक आंसू कराएंगे तो जहन्नम ठंडी हो जाएगी, वहां जाके समंदर बहा देंगे रो रो के किसी काम के नहीं। हाँ जी, आगाज करते हैं ये चंद एक में आपको वाक्यात की रूह से समझाऊंगी, अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा बिल्लाही व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आप मेरी अजीज बहनों बेटियों उदखुली फिस्सिल्म काफा, पूरे के पूरे इस्लाम को समझो, इस्लाम पे अमल करो, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो मेरी अजीजा, अभी हम आए हैं, कोई इसी ने हाथ मिलाया, कोई गले मिला, तो सुन्नती हमें एक एक बात बताती है, एक एक बात की वजाहत करती है। हाथ मिलाओ तो कहो जाओ फिर लना वाला को अल्लाह बख्श दे मुझको भी और आपको। जब हम मसाफा करते हैं हाथ मिलाते हैं, कितनी प्यारी बात है सुन्नत की। अगर सीख लेंगे एक सुन्नत पे अमल करेंगे तो 100 शहीदों का सवाब, 100 दर्जात बुलंद एक सुन्नत पे अमल करने के 100 शहीदों का सवाब। तो मेरी असीसा, अब गले मिलते हैं तो क्या कहेंगे, शर्रा सदूर ना लिल इस्लाम, खोल दे अल्लाह मेरे सीने को इस्लाम के लिए। ये सुन्नत के तरीके। अब आप हमें अपनी मर्जी से मिल रहे होते हैं, अपनी मर्जी से हाथ मिला रहे होते हैं, तो बेटा वो लम्हात हमारे सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो जाहिर है अल्लाह तो नाराज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो ये आपको मुझे जिंदगी मेहनत के लिए दी गई है। अब इसी बारे में चंद एक वाक्यात आपके सामने रखूंगी। तो मेरी अजीजा, तवज्जा जरा अपने दिल और कानों को खोल के दिल में उतारिए। तो मैं कसमिया कहती हूँ, आपका ये बैठना जाया नहीं जाएगा। जुमे का दिन है, कबूलियत की घड़ियां हैं। मेरी अजीज बहनों बेटियों, आप देखें अल्लाह वाले जो उनका नमाजों की तरफ जाना, उनका रातों की तन्हाई में उठ के अल्लाह को याद करना क्या था कि सबसे पहले जो है कि हमें अपनी मैं को मटाना का हुक्म है। हर बंदा चाहता है मैं वली बन जाऊं, अल्लाह के हाँ मेरा मकाम हो। वली होते हैं अल्लाह के दोस्त, मेरी अल्लाह से दोस्ती हो जाए। एक छोटा सा नुस्खा है, ज़हन में रखिएगा मेरी अजीज बेटियों, हमारे सुल्तान मुफस्सरीन अहमद अली लाहौरी, सबने शख्सियत का नाम सुना होगा, पढ़ा होगा किताबों में। तो तहज्जुद के टाइम तन्हाई में मेरे बच्चों अल्लाह को कैसे याद करते थे, नमाज पढ़ते थे, पढ़ने के बाद रब का दरवाजा कैसे खटकाते थे। सदके में तेरे साथी अल्लाह को पुकारते थे, सदके में तेरे साथी मेरी मुश्किलों को दूर कर, सदके में तेरे साथी मेरी मुश्किलों को दूर कर, मेरी हस्ती को मटा दे, मेरी हस्ती को मटा दे खाक में मेरी जान कर, मेरी हस्ती को मटा दे खाक में मेरी जान कर। ये अल्लाह वालों का अल्लाह को मनाने का अंदाज था कि सबसे पहले अपनी मैं की फिक्र होती थी। आज किसी बंदे को भी सुन्नत बताओ वो कहते हैं अपनी मर्जी पे चलूंगा। कुरान पाक शुरू है, आप आयत पे निशान रखो, फलां नंबर आयत है, आप इसको मोड़ दो। हाँ, शरीयत का हुक्म है, आयत पे जाके आप बात का जवाब दो। आप पढ़ रहे हो, आपको कोई बात कर रहा है, आप आयत को पूरा करो फिर उसका जवाब दो। ये कुरान पाक का अदब है, कुरान पाक का अदब है। और मेरा अपना तरीका नहीं है, आपके मेरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का तरीका है। अब अपनी मर्जी से चलेंगे तो हसाब मुश्किल हो जाएंगे आखिरत में जाके। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हर काम को लाएंगे तो आखिरत का रास्ता नूरानी हो जाएगा। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, आप आगे सुनिए कि हमारे बहुत बड़े मुकाबरीन मौलाना शिबली नमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बंदा कैसे पता बंदे को चले कि मैं वलायत की सीढ़ी चढ़ने लग गया हूँ। कैसे पता चले, जो भी सामने आए सुबह उठ के, आप फर्स्ट टाइम बाहर निकले, घर में कोई आए जिसका सामना हो, आपके
میں خلوص کے ساتھ ایسے ہو کہ وہ مجھ سے افضل ہے. سارے بندے افضل ہیں, ساری بندیاں افضل ہیں. بات ہے کہ ہم علم کو سمجھ کے چلے, ہم پیغام بھی پہنچائیں. ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. کہ بندہ ہر بات میں دین کے روح سے اپنے آپ کو نیچا گرائے کہ میرے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس علم کے جو اللہ سکھا دے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات سن لیجیے, یہ بیٹا اپنی میں کو مٹانے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم نے اللہ سے, ہر بندے کو اپنی فکر ہونی چاہیے. میں نے اپنی گرے بال میں چھانکنے, مجھ سے یہاں زیادتی ہو گئی, مجھ سے یہاں زیادتی ہو گئی, میں نے کسی سے سخت طریقے سے بات کرنی, میں نے کسی کا کہنا نہیں مانا, یا میں نے کسی کو نیگیٹو سوچ میرے اندر آ گئی کہ میں نے اس کو برا سمجھ لیا. سارا دن اپنی دن رات اپنی شرمندگی میں گزرے. رات کو سوتے ہوئے سوچیں کہ میں نے کتنے کام سنت کے مطابق کیے اور کتنے طبیعت کے مطابق کیے. پتہ نہیں رات کو سوئے سوئے موت آ جائے تو میری بچی اگلے دن پھر اس کی اصلاح کرے کہ آج کل میرے اتنے کام سنت سے ہٹ گئے تھے, تو میں نے کوشش کرنی ہے کہ میرے یہ سنت سے ہٹ کے جو کام کیے اگلے دن نہ ہو. کوشش کرتے 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 یہ کوشش اللہ کو پسند ہے, موت آ گئی تو انشاءاللہ العظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی آپ کو مجھے.